से स्टैंड पे हम मोहल्ले पहुँच चुके हैं। इस टाइप की बस है मेरी, बस अभी अभी कुछ चाहिए अभी, शायद यहाँ कुछ देर तक रुकेगी बस, और इसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे। तक के लिए वेट कर सकते हैं यहाँ पे, अभी बस रुकी हुई है, अभी टाइम लगेगा शायद यहाँ पे 10-15 मिनट खड़ी होगी, इसके बाद ही चलेगी। और इस टाइम हम अमौली में हैं, अमौली का दिखाते हैं आपको किस टाइप का। यहाँ पे रुके हुए हैं, पानी आने भी पी लिया है, और अभी थोड़ी देर में बस जाने वाली है तो जाएंगे, और जैसा आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे बस खड़ी हुई है, नज़र आ रही होगी। तो यही हमारी बस है और हम इससे ट्रैवल कर रहे हैं इस टाइम पे हम अमौली पहुँच चुके हैं, और अमौली से बस आधे घंटे की दूरी। सो भाई जब भी हम बस के अंदर हैं, देख सकते हैं पूरी बस आ गई है, हम मजे ले रहे हैं इस बस पे। तो चलते हैं अपनी सीट पे बैठ के हैं, और ये मेरा पैर रखा हुआ है, यही पे बैठेंगे आराम से। तो ना चाट बहुत मशहूर है यहाँ का, और गुल्ली चाट वाला जो है ना यहाँ का बहुत फेमस चाट वाला है, और अरसा हो गया उसको यहाँ पे दुकान लगा कर, शायद आई थिंक 10 या 20 साल से लगा रहा है, और इतनी भीड़ होती है वहाँ पे। आप अगर इस टाइम पे जाएंगे तो शायद ही शाम तक आपको नंबर आ पाएगा, क्योंकि एडवांस बुकिंग चलती रहती है इसके यहाँ पे। तो आइएगा मॉलिंग गुल्ली चाट वाला बहुत फेमस है यहाँ पे, चाट खाइएगा। और एक बार एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, यहाँ पे जो गुल्ली चाट वाला है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और उसके साथ साथ यहाँ का जो क्या बोलते हैं दशहरा में जो रावण बनता है, तो उस मौके पर ना यहाँ पे मेला लगता है, और इतना बड़ा मेला लगता है, क्षेत्र का बहुत ही ज़्यादा मशहूर मेला है। और मंदिर है यहाँ पे जो बहुत ही बड़ा मंदिर है, जो कि वो मार्केट में पड़ता है, मार्केट से अंदर जाएंगे गुल्ली चाट वाले की जस्ट 2-3-4 गली छोड़ के आगे पड़ेगा, और वहाँ पे भी मेला लगता है। और इससे अमौली क्रॉस करके आप बरीपाल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे पड़ता है बहुत बहुत बड़ा ग्राउंड बना हुआ है तालाब के किनारे पे, और वहीं पे मेला लगता है। तो दशहरा में आप अगर विजिट करें इधर, तो मेरा मानना है कि आप एक बार ज़रूर मेला देखें, और अगर विजिट करते हैं मेला भी नहीं है तो फिर गुल्ली चाट वाले के चाट ज़रूर खाएं, एक बार याद रखेंगे, बहुत ही मशहूर है। और यहाँ पे और एक चीज़ थी, क्या थी वो बताते हैं, हाँ यहाँ की जो मंडी है बहुत बड़ी मंडी है, यहाँ पे लोग सब्जियाँ और मतलब हर तरीके के फल फूल और सब्जियाँ मतलब कुछ भी एक्सपाइजेड चीज़ें ले सकते हो। और ये कानपुर की तुलना में तो इतनी बड़ी नहीं है, बट उससे कम भी नहीं है, थोड़ी बड़ी छोटी हो सकती है, बट बहुत बड़ी मंडी है, लोग अपनी सब्जियाँ यहाँ पे ला के बेचते हैं, और यहाँ से लोग खरीद के ले जाते हैं, दुकानों पर बेचते हैं, शॉप पर बेचते हैं, जो भी लगाते हैं, जो भी करते हैं, उससे सब चलता है। अगर आप फतेहपुर से आ रहे हैं तो फतेहपुर से दिल्ली बस स्टॉप पे आएंगे, जयराम नगर पे आप डायरेक्ट बस ले सकते हैं, जहानाबाद तक की, और आप एक बार बैठेंगे वहाँ से तो डायरेक्ट आप अमौली और जहानाबाद जहाँ भी आप जाना चाहते हैं उतर सकते हैं, उसके बाद आप जहानाबाद करके अगर काम पर जाना चाहते हैं तो काम पर जा सकते हैं, झांसी जा सकते हैं, इलाहाबाद जा सकते हैं, मतलब कहीं भी जा सकते हैं।
सो गाइस अभी हमारी बस चल रही है, तो मुझे लगता है सो गाइस अभी हमारी बस चलने वाली है और मिलते हैं पहुँच कर, दिखाते हैं कुछ बेहतरीन सा नज़ारा, बने रहिएगा हमारे चैनल पे और चैनल सब्सक्राइब और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा क्योंकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने स्टॉप पे और अब घर के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, लोग अपने अपने काम में बिजी हैं और हम पैदल चलते जा रहे हैं, पैदल नहीं चलते भाई खड़े हैं क्या लगता है आपको बताओ कमेंट करके। और ऊपर आकाश नज़र आ रहा होगा कितना प्यारा प्यारा सा, मस्त सीन आ रहा है नज़र एकदम एक नंबर। ये भाई एक जा रहा है सामने से और पता नहीं कैसे कैसे गाने गा रहा था, हंसी आ गई देख के, देखने लग गया मुड़ के पीछे। गाइस देखिए मिर्च के खेत, इस खेत में मिर्च लगी हुई है दिख रहा होगा, ये कितने सारे मिर्च लगे हुए हैं और आगे मकई के खेत हैं, मकई मकई भुट्टा। और गाइस इधर देखिए और कुछ दिखाते हैं, ये जो है टमाटर, कितने सारे लगे हुए हैं टमाटर के पेड़, और ये अरहर के पेड़, अरहर की दाल खाते हो ना उसके पेड़ हैं ये। देखो भाई एक मछली पकड़ रहा है बिल्कुल तालाब के किनारे खड़े होके, शायद आपको दिख रहा होगा जो हम दिखा रहे हैं। देखो तालाब कितना बड़ा है और ये क्या लगा हुआ है कोई बता सकता है, नहीं बता सकता तो हम बताते हैं, ये घुइया का पेड़ है, घुइया घुइया का पेड़ है, कुछ इस तरीके से पेड़ होते हैं, बहुत सारी लगी हुई है। अरे वाह व्यू कितना तगड़ा आ रहा है भाई, वेरी नाइस। और ये गोभी लगी हुई है शायद, नहीं नहीं पालक है भाई, गोभी नहीं है पालक है। ओ भाई पालक की खेती देखो, पालक की खेती, कितनी सारी पालक लगा रखी है लोगों ने भाई, पालक ही पालक, इतनी सारी पालक। अरे वाह ये तो बकरियां आ रही हैं सामने से, बच्चा घर को जा रहा है अपने,
बकरियों को लेके। सो गाइस फाइनली बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है यार, यहाँ पे घनघोर जंगल दिख रहा है, ऊपर आकाश नीला नीला दिख रहा है, ऊपर से हल्की हल्की सी धूप है और हल्की हल्की सी छांव है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोग यहाँ पे छोटे छोटे से पेड़ लगे हुए हैं, कांटे कांटे वाले पेड़ बबूल के, लोग काट काट के ना किनारे किनारे अपने खेतों के लगा रहे हैं ताकि जानवर ना आए इनके खेत में। सो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, बस सामने घर दिख रहे हैं, तो मिलते हैं। सो गाइस अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन ज़रूर दबाएं भाई, क्योंकि बेल आइकन के बिना तो कुछ काम ही नहीं चलेगा। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।